हाय, वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मेरा नाम है फाजरी वाला, मैं मुंबई से हूँ और 2019 से मैं ऑलमोस्ट हर साल मुक्सर घोड़ा मंडी कवर करने आ रहा हूँ, बिकॉज़ आई लव हॉर्सेस एंड लव दी हॉस्पिटैलिटी हियर। 2024 में ये मेरा पहला वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो सिर्फ हिंदी में हो या सिर्फ इंग्लिश में हो या सिर्फ पंजाबी में हो, तो प्लीज़ आप ये वीडियो ना देखें, आप निराश हो जाओगे, बिकॉज इसमें हिंदी अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप ना देखें वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। मुक्सर घोड़ा मंडी, 10 जनवरी 2024। वैसे तो मंडी अभी भरी नहीं है, लेकिन शोज चालू है, सो बहुत से शो क्वालिटी घोड़े उतरे हैं यहाँ पर। एंड मंडी की शुरुआत जो है, मैं खाना खाकर करूँगा, बिकॉज़ आई हैवेंट हैड एनी थिंग सिंस लास्ट नाइट और बहुत भूख लग रही थी। आई लव पंजाबी फूड। वेजिटेरियन फूड अगर खाना है तो आई डोंट थिंक पंजाब से बेटर कोई जगह हो सकती है, एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया। सो आई स्टार्टेड माई डे एट द ढाबा। जैसे आप मुक्सर मंडी एंटर करते हो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द वेरी फर्स्ट ढाबा, सबसे टेस्टी फूड देता है मुक्सर में। एंड एवरी टाइम आई कम टू मुक्सर, आई स्टार्ट माई डे बाई हैविंग फूड हियर। सो दिस टाइम अराउंड आई हैड सब्जी, दाल एंड रोटी। से मौसम बड़ा ठंडा है, सुबह 4 डिग्री तापमान था एंड अब बज रहे तकरीबन 11:30-12 बजे एंड द वेदर इज़ अराउंड 12-13 डिग्रीज। फोटो भाई ये बोल दे बोली मड़े दी भाई मड़े बोल दे दी मड़े लास्ट ईयर शो जो था यहाँ पर हुआ करता था, बट आई सी अब यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू हो गई है एंड द शो लोकेशन हैज चेंज, ऑल दो विद इन द ग्राउंड मेला ग्राउंड, लेकिन लोकेशन चेंज हो गई है। शो जो है बहुत ही दूर हो गया है, इट यूज़ टू बी सो क्लोज, अभी मेले के एकदम उस एंड पर है शो का ग्राउंड। सीइंग माय फर्स्ट नुकरा मेयर जा रही है घोड़ी के शो में, नाम है इसका हीर। शी इज गेटिंग रेडी फॉर द शो हैज़ जस्ट कमेंस्ड। Thank you.
सो वेलकम टू मुक्सर हॉर्स फेयर. हम मनोज शर्मा जी के साथ हैं. थैंक यू भाई साहब. गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप? मनोज जी, लास्ट ईयर तो बहुत सक्सेसफुल था आपका शो. इस बार भी सक्सेसफुल रहेगा. इस मरतबा बहुत अच्छा है कि आपने डेलाइट में आपने स्टैलियन का अरेंज किया है. धुंध की वजह से 4 दिन का शो कर दिया गया है जी, क्योंकि लोगों को घर भी वापस जाना होता है और ठंड की में घोड़ों के बीमार होने का खतरा रहता है, तो कोशिश है कि जल्द इस बार 4 दिन का कर दिया गया. और वैसे दिखते भी नहीं है धुंध में, घोड़े साफ है ना वीडियो में. हाँ जी, तो मज़ा भी आएगी. और हम तो ढूंढ रहे थे वो ग्राउंड में, बट इस मरतबा एकदम पिछले छेड़े में है ये. एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी मंडी जो है छोटी हो गई है, इसकी वॉल हो गई है, उस वजह से जगह चेंज करनी पड़ी है मगर मुक्सर मेले के अंदर ही है जी. जी जी. ये कितने दिन चलेगा सर आपका फेयर? ये 12 को ख़त्म होगा जी अपना शो. हाँ जी. और सर मेला तो करीब 16-17 तक चलता है, फुल स्विंग में 16 तक रहता है जी. मैंने अभी आपका इंटरव्यू देखा था, आप लाइव गए थे जी. आपने बोला था कि ये शो ऐसा होगा जिसमें जजेस जो है शपथ खाएंगे कि वे दिल बी वेरी फेयर एंड स्क्वायर. क्या ये नौबत आ गई कि हमें शपथ खानी पड़ गई? शपथ तो खानी पड़ती है क्योंकि लोग आप पे यकीन नहीं करते जी. क्योंकि इसमें शो में एक ही बंदा खुश होता है जो फर्स्ट आता है, और वो भी कई बार खुश नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी मन बना के बैठा था, उसका है ही बहुत अच्छा होता है. लोग भूल जाते हैं कि कोई घोड़ा 9वें नंबर पे अगर फर्स्ट पे आ सकता है जी, तो कभी फर्स्ट वाला 9 पे भी जा सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था राइट? इस बार भी, पिछली बार एक घोड़ा 9 नंबर पे आया था जी, इस बार वो नुकरों की कैटेगरी में बछेरों की फर्स्ट आके गया जी. देखिए जी, लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है जब वो लास्ट में आते हैं? लास्ट टाइम आपने बहुत अच्छी बात कही थी जी, कहा था कि भाई वही निष्पक्ष होता है जो आपके पक्ष में होता है. बिल्कुल यही होता है जी. अगर तो आपका घोड़ा फर्स्ट आ गया हाँ, तो ये जज बहुत समझदार और दुनिया के सबसे अच्छे जज है. अगर आपका घोड़ा पीछे आ गया तो यही जज चोर चक्के पता नहीं क्या क्या लोग बना देंगे. सर इस मतलब जजिंग पैनल चेंज हुआ है क्या? वही है, सेम लोग हैं. सेम है, सेम. सो होपिंग फॉर फेयर एंड स्क्वायर डिसीजन सर. ऐसा है भाई साहब, हमारे सबके पास घोड़े हैं मगर उसमें से हम लोग तो एंट्री नहीं कर रहे जी. आपके पर्सनल घोड़े अलाउड नहीं? नहीं, अलाउड तो है, कर सकते हैं मगर हम नहीं करते क्योंकि लोगों को इल्जाम लगाने का हम कोई मौका नहीं देना चाहते. सर लास्ट टाइम एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी कि वो जो शो के लिए नुमाइश के लिए घोड़े आते थे वो इस बार भी काफी होगा? सारी एंट्रीज हैं जी. कौन से दिन होगा सर वो? वो कल से शुरू हो जाएगा. कल से, उसमें बहुत मजा आएगा सर. एक्चुअली ना जी, कुछ लोगों में ये भी एक गलत फहमी है कि ये अमीरों की गेम हो गई है, गरीबों के घोड़े नहीं आएंगे. घोड़े रखने वाला कोई गरीब नहीं होता जी. जो आदमी घर में घोड़े को खिला सकता है उसको ट्रक में यहाँ तक लेके आ सकता है रिस्क लेके, तो वो यहाँ 10,000 पे दे सकता है. बहुत सही. ये 10,000 उसकी उसको शो करने के नहीं है हाँ. ये उसकी एक छोटी सी भेंट है शो के लिए. इस यज्ञ में अगर वो भी थोड़ा कुछ दाल चावल डाल देगा बस उतना ही है. तो एंट्री अगर हम लोग एंट्री 10,000 नहीं रखेंगे तो ये घोड़ों का मेला है, हम शो तो करा ही नहीं पाएंगे. इसमें हम लोगों को डिस्प्ले करते ही रह जाएंगे. तो इस मरतबा भी एंट्री में भी काफी लोग आए होंगे? काफी लोग हैं जी है. वो ये समझे कि वो 10,000 पे हमारी मदद कर रहे हैं शो को कराने के लिए, वो इसको एंट्री फीस समझे ही ना, तब उनके लिए बड़ा आसान रहेगा. सर फाइनेंशियली वायबल है ये शो को रन करना? सब लोग हम लोग तो अपनी पॉकेट से ही सब लोग कर रहे हैं जी, कंट्रीब्यूट करके. हम लोगों ने कोई ज्यादा, एक रिंग स्पॉन्सर्ड है जी, वो भी हमारे सोसाइटी मेंबर ही है. बाकी लोगों से कोई इसके लिए पैसा या ऐसी कोई मोटी रकम नहीं ली गई कि कोई एक आदमी हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर सकेगा, मैंने 5 लाख दिया है तो हमारा घोड़ा कोई फर्स्ट करे. ओके सर, रिवॉर्ड प्राइस क्या मिलेगा टॉप नॉच घोड़े को? स्टैलियन कैश प्राइस तो इतना ज़्यादा नहीं है, 5 घोड़ों को कैश प्राइस है, बाकी 10 घोड़ों को टोटल प्राइस दिए गए, बाकी सबको ट्रॉफीज दी गई. सो मेनली नाम है दैट मैटर्स द मोस्ट. हाँ नाम है जी, रिवॉर्ड मैटर्स द मोस्ट. बिल्कुल बिल्कुल, ये नाम के लिए करते हैं जी. अब लाखों के घोड़े हैं तो कोई उसको 20-30 हज़ार 50 हज़ार इनाम, जो घोड़ा प्रेमी है उसके लिए इतना मैटर भी नहीं करता है. मनोज शर्मा जी, आप थकते नहीं हो? मैं देखता हूँ दिन भर फेसबुक पे आप लाइव रहते हो, खड़े खड़े, यानी सुबह से रात तक क्या आपका चलता ही रहता है ये? घोड़े वाले कहाँ थकते हैं भाई साहब, हम लोग घोड़े पे बैठ के सारा दिन नहीं थकते जी. नहीं, 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 रहने में भी क्या थकने वाली करी जी, इस जॉब है सर, बहुत मेहनत का काम है ये शो भी ऑर्गेनाइज करना. एक्चुअली ये कोई हमारा वैसे काम नहीं है एंकरिंग या बोलना इस तरह से. बाकी अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, अगर हम बाहर के कोई अनाउंसर बुलाते हैं, उनको पहले तो पता ही नहीं होता घोड़ों के बारे में क्या बोल रहा है. वो सिर्फ उन्होंने पैसे लिए होते, वो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि एक तो लोगों को बोर करते हैं और दूसरा
बार बार बोल के घोड़ों को भी डराते हैं। तो हमारी इस शो में जो जो कमेंट्री है वो लिमिटेड है ताकि घोड़े ना डरे, क्योंकि यहाँ लाउड आवाज़ के साथ घोड़े इतना डर जाते हैं और अननेसेसरी बोलने से लोग भी बोर हो जाते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी की है कि यूट्यूबर लोगों को यहाँ पर आके शो कवर करना बहुत फ़ायदेमंद है जी। क्योंकि व्हाट रियली हैपेंस इज, मैं दूसरे फेयर पे गया था जैसे फर्स्ट नेट सारंगखेड़ा, म्यूजिक इतना बजता रहता है, हमें कॉपीराइट की वजह से बार बार पॉज करना पड़ता है। यहाँ पर अच्छा है कि सिर्फ आपकी कॉमेंट्री हो रही है, विच इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। नहीं, वो घोड़ों के रिलेटेड है जी, और यहाँ कोई ऐसा अनाउंसर भी हमने नहीं रखा, इसीलिए वो लोग 400-500 रुपये लेने के चक्कर में सब लोगों के नाम ही बार बार बोलते रहते हैं। बट आप खुद बहुत अच्छे यूट्यूबर रह चुके हो, स्टिल यू आर अ यूट्यूबर जी, और तो आई थिंक आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कमेंट्री करना कैसा है। सो नहीं, अगर मैं घोड़ों के बारे में जानता हूँ तो उनके बारे में ही बोल सकता हूँ जी। अब मैं इसको लेके कोई पॉलिटिकल मैटर पे यहाँ बोलता रहूँ या फालतू में बोलता रहूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये घोड़ों का शो है और घोड़ों के संबंधित ही बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सर, मेले में ओवरऑल कोई इम्प्रूवमेंट दिखी आपको लास्ट ईयर के मुकाबले? ये मेला वैसे तो इस बार थोड़ा बंद होने वाला था, क्या बात, ग्लैंडर्स की वजह से। ओके, मगर हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर साहब हैं खुडिया साहब, उन्होंने पर्सनल पेन लेके इस मेले को दोबारा रिवाइव कराया और गवर्नमेंट की तरफ से सब घोड़ों के टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किए गए हैं ताकि कोई बीमारी वाला घोड़ा यहाँ पे ना आए। सर, एक नुमाइश के लिए तो 10,000 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन जो शो में पार्टिसिपेट कर रहा है उनको एंट्री फी कितनी देनी पड़ेगी? शो वालों से 2,000 रुपये एंट्री फीस है भाई साहब। ओके, वो भी मैं कहूँगा वो एंट्री फीस नहीं है, वो आपकी कंट्रीब्यूशन है शो के लिए। सर, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता होगा ना, 100 घोड़े आते होंगे जिसमें से 10 लोगों को, 10 घोड़े अंदर आते होंगे। घोड़ों को तो जी डॉक्टर साहबान, अगर वो ज़्यादा बीमार है, उसको चोट लगी है या फिजिकली अनफिट है तो बाहर भी रोक देते हैं। ओके ओके सर। सर, जिनको रोक दिया गया है उनको कोई पैसे नहीं देने, राइट? उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया भाई साहब। राइट राइट, उनसे कोई पैसा नहीं लिया। ओके सर, मनु। और ये अगर एंट्री फीस भी नहीं होगी तो ये घोड़ों का ऑलरेडी मंडी है तो सब लोग यहाँ आ जाएंगे, हमारे लिए उसको मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो पार्टिसिपेशन है घोड़ों की, ऑलरेडी लोगों ने एंट्री कर चुके हैं कि लास्ट मोमेंट पे आके कर सकते हो जी आप? पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल। ओके, क्योंकि सबको, जिनको दूर से आना है तो इतनी दूर से पहले आके एंट्री क्यों कराएंगे? और ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के घोड़ों को प्रेफरेंस दिया जाएगा सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो जजेज हैं उनके लिए घोड़े का जो नंबर है उनके लिए उसकी पहचान वही है, उसकी स्टेट, उसका मालिक, उसका माँ बाप कौन है, वो जजेज के लिए उनको पता ही नहीं है कि उसका मालिक कौन है। एनी फ्रंट रनर सर स्टैलियन कैटेगरी और मैं कैटेगरी में? सबको ऑल दी बेस्ट है जी, कोई भी जीत सकता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरे लिए वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है और मुझे करना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। इस तो बार जी 51 रेडी रोडी। बेनती है जी, ऑलरेडी पैगी है तो चानने के विच शो कराया जा सके। चलिए, स्पीकिंग विद द फर्स्ट हॉर्स ओनर, गुड आफ्टरनून सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण चार है जी मेरा नाम। और दो बछेरियाँ लेके आए हो आप शो के लिए? हाँ, एक बछेरी मैं लेके आया हूँ, एक ये कड़वासरा जी लेके हैं साथ में हमारे गांव से ही। कहाँ के रहने वाले हो सर आप? गांव है जी हमारा पीर कामड़िया, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से आए हो, वहाँ पे शो में उतारे थे आपने? हाँ उतारी थी। क्या रिजल्ट था उसकी? वो सेकंड आई थी। सेकंड आई थी, कौन सी कैटेगरी में? फिली में। अभी ये वाली आपकी है राइट? क्या डिटेल्स है, कौन सी लाइन? हाँ, परले वाली मेरी है, ये वाली इसकी। कौन सी लाइन की है सर ये? ये जी लाइन इसमें सुल्तान लाइन है। हाँ जी। और ये जो मेरे पास घोड़ा है खुद का ही आलम, आलम की बच्ची है दोनों। क्या हाइट का घोड़ा है आपका? हाँ जी, क्या हाइट का है आपका घोड़ा? 64 हाइट है। 64। और ये बछेरी अभी क्या हाइट की है? ये अभी लगभग 62+ ही है। उम्र के लगभग है। उम्र कितनी एग्जैक्टली इसकी? उम्र इसकी तो है 20 महीने, 21 महीने। 21 महीने की है। उसकी है 2 महीने, वो बड़ी है 23 महीने। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम तो धरा। क्या नाम? धरा, DHARA धरा। हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है सर। सर कितने घोड़े हैं वैसे आपके फार्म पे?
मेरे है लोग वो 25 से 26 27 है। तो सारे घोड़े घोड़ियों में से आपने यही लेके आए? हाँ, दो बछेरी थी लगाने वाली थी, मैं इसलिए इनको ले आए। ये सबसे बेस्ट है? और तैयार नहीं थी। अच्छा, तैयार करने वाली है और आगे लगेंगे, इनसे छोटी है। सही धरा में क्या क्वालिटी से आपको लगता है कि जजेस को इसको चुनना चाहिए विजेता? क्वालिटी तो ये प्योरिटी है इनमें, अच्छी मारवाड़ी की। हाँ, अच्छे खून है, अच्छे इनकी माओं का खून है, अच्छी माए हैं इनकी। अच्छा ही बाप है। सर, ये उद्देश्य क्या होता है आपका पार्टिसिपेट करने का? अगर खुदा ना खास्ता आप हार गए तो चलते ही तो फिर दोबारा अटेम्प्ट करोगे, है ना? जीत तो चलती रहती है जी। और जीत गए तो फिर क्या ऊंचे दाम में बेचना है इसको? नहीं नहीं, वो बेचना होता है तो बेच देंगे, ये तो मेरे सेल पे नहीं है दोनों। हाँ, तो ये पालोगे? हाँ, ये तो पालनी है, आगे तैयार करेंगे ना, अगले साल दो दांत में लगाएंगे इनको, फिर घोड़ियों में लगाएंगे जी, ये नाम करती रहेगी, फिर बच्चे ले लेंगे इनके, ये तो चैन चलता रहेगा, ये चैन चलती रहेगी। और उसके बारे में बताओगे थोड़ा? वो वाली बच्ची, वो इसकी बच्ची है, समझ लो बाप की तरफ से। तो एक ही बाप है सुल्तान, बाप क्या नाम बताया आपने? आलम की बच्ची है। आलम की बच्ची, और आलम का बाप है बादल, बादल बादल का बाप है वनराज। ओके, हैदर हैदर हैदर। और माँ कौन से साइड की है इसकी? माँ है बालनी मठ की। ओके, और उसके उसकी है वो नवरत्न घोड़ा था, बहुत बढ़िया अपने जी जी, अच्छी लाइन का, वो भी मटका लाइन का था। ओके, उसकी बच्ची है इसकी, उसकी माँ। उसका नाम क्या है सर वो बछेरी का? नाम हो रहा है नयन तारा। ये है धरा, वो है नयन तारा। ओके, और उम्र में वो भी वही 20-21 महीने की है? हाँ, वो 23 महीने की है, ये 21 महीने की। आपको कौन सी पसंद है दोनों में से? दोनों ही अच्छी है, दोनों ही अच्छी है। ज्यादा अच्छी ब्लड लाइन वाली कौन सी है? दोनों में अच्छी लग रही है। ओके ओके, वो थोड़ी कम हाइट की है ना? मामूली कम हाइट है, 1 इंच कम है। कितने बजे है सर इनका शो? इनका अभी है, घंटे के बाद में। अभी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट सर, उम्मीद करते हैं आप जीत जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एग रोल सर, दे दो एक। चलिए ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन टू स्पीक विथ। सारी इन स्टड फार्म्स की मुझे यहाँ पे बस मिली और पता चला उसमें घोड़ा है अंदर। जी जी। आपका नाम क्या है सर? मिस्टर राजेश यादव। राजेश यादव जी, आप आए हो कहाँ से? मेरठ से। मेरठ से ऑल द वे यहाँ पर आए हो? जी जी। कितना किलोमीटर पड़ जाता है मेरठ पे मुख से? 465 किलोमीटर। घोड़ा, कितने घोड़े हैं अंदर? वन घोड़ा है, एक फिली है। फिली 18 मंथ की बछेरी लेके आप 450 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल करके आए हो। इतनी उम्मीद है सर इससे कि जीतेगी जीतेगी? क्या रिकॉर्ड है ये फिली का? सर पहली बार उतार रहे हैं बच्ची को, फर्स्ट टाइम हमारे फार्म की ब्रीड की हुई, हमारे घोड़े की, हमारे घोड़े की बछेरी। तो फर्स्ट टाइम में आपने मुक्सर क्यों चुना? जी मुक्सर हॉर्स, पंजाब हॉर्स शो क्यों चुना? और भी हॉर्स शोस है फेस्ट में, ये था तो हमारी बछेरी के लिए हमें अच्छा लगा कि यहाँ पे जाएं और फिर जीत के आए, फिर आगे बढ़े। वैसे क्या लाइन की है आपके बछेरी? उसकी है इसके बाप का नाम संग्राम है जो और से हमारा, और माँ का नाम जीनत है। दोनों जो बाप है वो भी आलीशान का बच्चा है। अच्छा, चैंपियन का। ओके, और माँ भी लुधियाना और मुक्सर दो बार चैंपियन रह चुकी। अरे वाह सर, उनकी बीवी। और कितने घोड़े हैं वैसे सारीन स्टड फार्म्स पर? हमारे पास 28 घोड़े हैं अभी। ये नाम कहाँ से आता है सारीन? मेरठ। और सरीन, सालीन का मतलब क्या? किसी का नाम है फैमिली में? हमारा ग्रुप है SS, जो क्रिकेट के बैट हम बनाते हैं। हाँ, उसी के मार्के पे हमने SS सरीन स्पोर्ट्स रखा। ओके फैंटास्टिक सर, बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं हमारे SS। हाँ, से तो कितना कन्वीनियंट होता है ये बुलशन बस में लेके आना घोड़ों के लिए? बिल्कुल एकदम। कितने हॉल्ट्स आपने लिए होंगे मेरठ से यहाँ पर? काफ़ी लेके आए, कई बार आए घोड़ी मीटिंग करा के भी, और वैसे भी बहुत ट्रेवल किया। नहीं, मैं मेरा कहना है कितने हॉल्ट्स, यानी कितने मर्तबा आप रुकाते हो? दो जगह होल्ट किया बस। हाँ हाँ, बाकी कंटिन्यू घोड़े को बाहर निकल के? नहीं बाहर नहीं, अंदर ही। अंदर ही तो घोड़े में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है किसी। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक ग्लिम्प्स दे सकते हैं हमारे दर्शकों को सर? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर, वेलकम। ये है फिली, माशाल्लाह सर।
क्या नाम है सर ये फिली का? फिली है साहिबा। साहिबा, साहिबा, साहिबा की तो खूब खिदमत हो रही है सर, है ना? आप कितने लोग आए हो वैसे मेरठ से? मेरठ से हम 3 लोग आए हैं। और कितने बजे है इसका शो? इसका शो अभी है, इसके बाद जो खत्म होगा नेक्स्ट में इसी का है सर। साहिबा की कुछ क्वालिटीज बताइए जिसको से आपको लगता है कि भाई क्वालिटी। हमारे भाई आदम भाई बताएंगे, ट्रेनर। कौन? ट्रेनर हमारे। आप आदम भाई हो? भाई बताइए जी, आपका नाम क्या है सर पूरा? मेरा आदम खान है। आदम खान भाई, आदम खान भाई, क्या बात है ये बछेरी में जो आपको लगता है दूसरी बछोरियों में शायद नहीं होगी? जी, ये प्योर मारवाड़ी करेक्टर की बच्ची है, जो मारवाड़ी फेमस स्टेलियन आलिशान, उसके उसका बेटा है संग्राम, उसकी बच्ची है। अभी ये 17 या 18 रनिंग में होगी, डॉक्टर साहब ने बताया होगा। 18 महीने की कहा है? 18 महीने की है और बहुत ही अच्छी बच्ची है, पूरी जेड ब्लैक है, खाली माथे पे स्टार है। और वो क्या आपने मेहंदी लगाई क्या? ब्राउन कलर का हेयर इसके? हां, नेचुरली ऐसा है। एंड शी लुक्स सो ब्यूटीफुल बिकॉज़ ऑफ दिस, है ना? एब्सोल्युटली स्टनिंग। क्या हाइट है सर वैसे इसकी? अभी इसकी होगी 61 के ऊपर ही होगी जी, काफी नहीं है। हां, वैसे उद्देश्य क्या है अगर जीत जाती है? सो व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव, क्या करोगे आप? ऊंची कीमत में बेचोगे कि भाई बस नाम बनाना है, बस शौक के लिए? हां जी। और आप जो है ट्रेनर हो? जी, मैं घोड़ों का। सर, कोई किसी को घोड़ों का ट्रेनर बनना होता है तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, या आप फील्ड पे ही सीख लेते हो कि भाई कोई कोर्स वगैरह आपको ज्वाइन करना पड़ता है? नहीं जी, कोच वगैरह कुछ नहीं है, मेरे फादर साहब ट्रेनर थे तो मैं उनके साथ सीख गया, यूं चलता रहा हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी। मेरे छोटे भाई वो भी ट्रेनर ही है। आप कितने साल से कर रहे हो ट्रेनिंग के जॉब? तो 7-8 साल हो गए जी। जी, फ्रीलांस करते हो कि अभी यही सारे से आप जुड़े हुए हो परमानेंटली? नहीं, मैं हर जगह घुमाता हूँ। सो अगर किसी को अपना घोड़ा ट्रेन करना हो जी पूरे इंडिया में, दे कैन कॉल यू। आप जी बिल्कुल। क्या नंबर रहेगा सर आपका जी? फोन नंबर क्या रहेगा? नंबर 9680598266। वैसे एक बछेरे को, लेट्स टॉक अबाउट बच्चा जी, प्रॉपर ट्रेन करने में कितना समय चला जाता है सर? शो की ट्रेनिंग है 15 से 20 दिन और राइडिंग वगैरह सब मिलाना तो महीना भर लग जाता है। सर, शो की ट्रेनिंग में वैसे हैंडलर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ना? मैन वही हैंडलर चुका तो फिर बिल्कुल हाँ गलती हो गई, फिर तो घोड़ा फेल है। भले कितना भी जानवर अपन बना के जाते हैं, जब शो में खड़ा करना है तब उस टाइम अगर वो करेक्टर हैंडलर प्रेजेंट करा के नहीं दिखाता तो फिर कोई मतलब नहीं। घोड़ों से ज्यादा तो आप नर्वस होते हो गए। आप हैंडलर रहोगे इसके? जी, मैं इसका हैंडलर। हाँ, लेकिन रहता जन की दो रहता है ना हैंडलर, एक ही काफी हो? मैं एक ही काफी हूँ। आप एक ही काफी हो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। क्या नाम बताया आपने बछेरी का? साहिबा। साहिबा नाम है और आलिशान लाइन की है ना बेसिकली? ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट सर। और किसी को ट्रेनिंग पर्पस के लिए इफ एनीबॉडी वांट्स टू गेट इन टच विद हिम, दोबारा आपका नंबर दोगे हमें? 9680598266। थैंक यू। एक और चीज़ आप कर लेते हैं, साहिबा का फोटो बाहर लगा देते तो बहुत अच्छा होता है ना, हमें बस के बाहर पूरी देखनी मिलती। जी जी, निकालेंगे, अभी बाहर निकालेंगे, देखेंगे। निकालने वाले हो? चलिए, थैंक यू। चलिए, शो में जो एक पार्टिसिपेंट है उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शानप्रीत सिंह है। और ये बटले का नाम क्या है बच्चे का? अमित सिंह। और कहाँ के रहने वाले हो आप? हम जिला मानसा है, तहसील हमारा सरदूलगढ़ है, ते पिंड साडा हीर की है। मानसा से आयो? हाँ। नंबर 74। अच्छा, इसका चेक हो गया? चेक हो गया पूरा? आजकल मेडिकल चेकअप, मनु जी ने बताया कि प्रॉपर मेडिकल चेकअप हो गया इसका, है ना? और अभी इसका 2 बजे का टाइम है, 2 बजे का जाने का। कौन सा है? बछेरियों में उतरेगी ना? नहीं, बछेरा है, सॉरी बछेरा। क्या नाम है? मारवाड़ी बछेरे। सुल्तान है इसका नाम। सुल्तान नाम। और कौन सी लाइन का है सर सुल्तान? ये शान वाली, असरा वाला शान सी, उसका पुत्र है। हाँ, होता है उसका। आपको क्या लगता है सर इसमें? बहुत यंग नहीं है सर? बहुत यंग है ना ये? 13 मंथ इसकी एज अभी। तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कितने महीने तक के रहते है? वो भी यही एज के सारे रहने वाले? अपना 1 साल से 1.5 साल के बच्चे रोगा है शो। ओके। और ये कितने महीने का आपने कहा? 13 मंथ। 13 महीने का। से क्या खास बात लगी आपको इसमें कि आप शो में उतारना चाहते हो? इसके जो है ना बॉडी स्ट्रक्चर है वो बड़ी ब्रिकी से है, जैसे इसके कान है, इसकी देखो सजावट जोड़ता है, इतने छोटे बच्चों में काफी कम मिलती है ये चीज। जो चेहरे की बात कर रहे हो आप? हाँ, चेहरे की, जे कान। हाँ हाँ, कान तो हम देख लिया, ठीक है। और आपने क्या बोला, क्या बहुत अच्छा लगा इसका? मान लो इसके जो है अंग वगैरह शरीर की बनावट वो सर, आपके हिसाब से बनावट बहुत अच्छी है इसकी सर। लेकिन आपको लगता है फिजिकली फिट है ये घोड़ा बछेरा? हाँ जी,
फिजिकली फिट लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे अपना तो सभी को ही अच्छा लगता है, अभी शो में उतरेगा तो तभी पता लग जाएगा किसकी बारी आती है आगे। नहीं वैसे ऑल द बेस्ट, बशीरा तो खूबसूरत, देखो अपना बच्चा तो सभी को प्यारा है। हां हमको तो ये प्यारा लगता है कि निका का बच्चों जैसा पाला है, हमारे सर मोह प्रेम है इसका। अच्छा ऐसा होता है कभी शायद टॉप 8 में ना आए या टॉप 16 में ना आए तो दुख होगा कि भाई और मेहनत करके दोबारा आओगे? सबके बच्चे तो नौकरी नहीं ना लगते, ना फौज में जाते हैं ना पुलिस में जाते हैं, सभी के बच्चे तो नहीं ना आते तो माँ बाप क्या निकाल देते हैं उनको? बिल्कुल नहीं, वही बात हमारी इससे के साथ है। तो और इम्प्रूव करोगे? जोड़ा जे जानवर एक होते ना जैसे मझां गावां पाल लेंदे हैं ना, उन्होंने होंगे भी अभी चलो अभी दुध के लिए पालते हैं तो इन्हों तो अभी दुध की उम्मीद तो नहीं हैगी, कमाई की उम्मीद कोई नहीं, बस एक जरिया मोह प्रेम का। लेकिन कमाते तो सब चाहते, कमाना तो सब चाहते हैं, मोह प्रेम का जरिए के तौर पर प्रेम के एक प्रेम। सर एक राउंड लेके पूरा घोड़ा दिखे, आप एक राउंड लेके आओगे? हाँ जी हाँ जी। माशाल्लाह जी बहुत सुंदर है, थैंक यू जी, थैंक यू जी। और आपका नाम क्या है? इधर आइए, आप क्या करते हो? आपके भाई है? भाई है, छोटे भाई है। आप क्या नाम क्या है? अमित सिंह। आपको भी शौक है घोड़ों का? हाँ। कितने घोड़े हैं घर पर? तीन। वैसे करते क्या हो आप, पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी क्लास में हो? नाइन्थ क्लास। बड़ा होके क्या घोड़े वाला ही बनना है क्या कुछ और? घोड़े नाल भी शौक वाला है। हाँ क्या करना है बड़े होके? प्यार तो घोड़े नाल भी है। प्यार घोड़े नाल है, लेकिन क्या करना है फ्यूचर में? नौकरी वोकरी? फार्म वार्म नहीं खोलना है? हाँ ठीक है, फार्म ही खोलो, घोड़े बेचो, कमाई तो बहुत है ना, बरकत है इसमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाम क्या बताया आपने इसका? सुल्तान। सुल्तान, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मारवाड़ी बछेरों का कंपटीशन होने वाला है, मनु जी के फेसबुक पे आप लाइव देख सकते हो पूरा कॉन्टेस्ट। नुकरा में कैटेगरी में नंबर 6 पोजीशन आई है ये मेयर, क्या नाम है सर मेयर का? भारती। भारती, भारती। सर छठे पोजीशन पे आना भी बहुत बड़ी बात है इतने सारी घोड़ियों में, आप खुश हो? हाँ जी। क्या दुखी हो? हाँ जी हाँ जी। खुशी भी है दुखी भी है? पूरी जी खुशी है। खुशी है? हाँ जी। क्या क्या डिटेल्स बताइए सर इसकी, क्या लाइन की है? ये गुड़े वाली लाइन की है जी। कौन सी? गुड़े वाली जी, गुड़े वाली। हाँ हाँ। उम्मीद थी सर छठे पोजीशन पे आने की, ज्यादा पोजीशन पे है थी उम्मीद सर? दूजी तीजी की पोजीशन थी? हाँ, उम्मीद थी। हाँ जी। इसे पहले कोई शो में पार्टिसिपेट किया? हाँ जी, पहले विनर आई। कौन से शो में? हनुमानगढ़ से। ये साल की बात है? नहीं, दो साल हो गए। दो साल पहले, तो अभी कहाँ चूक रहेगी आपको लगता है? हाँ जी। अभी कहाँ चूक रहेगी कि नंबर वन नहीं आई? हाँ जी अगली बार सही। नहीं अभी कहाँ चूक रहेगी, कहाँ कमी रहेगी आपकी? कमी माड़ी मोटी रहेगी, होगी। क्या दूसरे इसके कंपटीशन में अच्छे थे? हाँ जी। कंपटीशन में और बेहतर घोड़िया थी? हाँ जी हाँ जी। ओके, तो क्या इम्प्रूव कराओगे अभी इसमें? आगे से सुधारेंगे इसे। कहाँ पे सुधार चाहिए? माड़ा मोटा हो सकता है अभी। थोड़ी मोटी हो गई है? हाँ जी। अच्छा प्रेग्नेंट तो नहीं है? प्रेग्नेंट है। अच्छा प्रेग्नेंट है ये, कौन से घोड़े से? ये है दिलबाग से। ओके, अब बेचने का इरादा है छठी पोजीशन पे आ गई तो? बेचेंगे। अब तो कीमत बढ़ गई होगी ना? हाँ जी। क्या कीमत है? कीमत फोन पे करेंगे। हाँ फोन पे। क्या हाइट की है वैसे ये? क्या नाम है सर इसका? भारती। भारती जो है 63 हाइट की, नंबर 6 पोजीशन पे आई है पंजाब हॉर्स शो में, बहुत बहुत मुबारक। आप कहाँ के रहने वाले हो वैसे? कोटली संगर के जी। एक ही घोड़ी है कि और भी घोड़े उतरने वाले हैं? 5-6 जानवर हो रहा है। और कौन सी कैटेगरी में उतारोगे? मारवाड़ी भी है दो। स्टैलियन है कोई? हाँ जी। अच्छा स्टैलियन नहीं है, बच्चा तैयार कर रहे हैं काले कांटे का। ओके ओके। हाँ क्या नाम है आपके फार्म का? टिल्लो स्टार्ट फार्म। अच्छा और कहाँ पर एग्जैक्टली? मुक्सर से 10 किलोमीटर है। प्रॉपर मुक्सर के ही हो? हाँ जी। ओके सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वैसे नंबर देना चाहोगे आपका? नंबर दे। क्या नंबर है? 8739
8739 4507। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम सिक्स पोजीशन पे भारती से मिल चुके हैं, आप मिलेंगे नंबर फिफ्थ पोजीशन पे। क्या नाम है सर आपका? इसका नाम है जी कॉर्बी। कॉर्बी, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम करमजीत सिंह। और कौन से फार्म से है ये? ये जी हमारा गांव यही है कबरवाला, जहाँ पे मेरा नाम है। मुबारक आपको सर, उम्मीद थी पांचवी पोजीशन पे? हाँ जी, पोजीशन तो एक्चुअली इससे ज्यादा उम्मीद थी। एक्चुअली थोड़ा ना इसके जो कानों के बाल रिमूव करने के वजह से थोड़े जख्म हो गए कानों में, उसकी वजह से हम मानते हैं कि इसके थोड़े नंबर कटे होंगे। अच्छा, तो आपको ये फीडबैक मिला कि आपका अंदाजा है? नहीं जी, हमारा अंदाजा ही है जी। अच्छा, जब आपको पता था तो फिर क्यों आपने ठीक नहीं किया? बस लास्ट मिनट प्रिपरेशन की वजह से ये हो गया, अगली बार से थोड़ा एडवांस में हम इसकी तैयारी कर रखेंगे। ओके, और कोई शो में पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी, नहीं ये पहली बार ही रिंग में डाली है जी। ओके, खुश हो आप? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पांचवी पोजीशन तो बहुत अच्छी मायने रखता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। टोटल कितनी घोड़ियां आई थी? हाँ जी, टोटल कितनी घोड़ियां थी? टोटल 6 एंट्रीज थी। 6 एंट्रीज जी, बिल्कुल 6 एंट्रीज में पांचवी पोजीशन पे। कंग्रेचुलेशन सर जी, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक। नेक्स्ट का कौन से शो में जाओगे? नेक्स्ट अभी देखते हैं जी, फरीदकोट अगर रिंग लगेगा तो वहाँ पे लेके जाएंगे। ओके, वैसे क्या हाइट की है सर ये अभी? ये इसकी अराउंड 64-65 है। 64, और एग्जैक्ट उम्र कितनी है? ये अभी 4 दांत हुई है जी, अभी पिछले हफ्ते ही 4 दांत हुई है। तो बेचने का कोई इरादा है सर? नहीं जी, अभी तो कोई इरादा नहीं है। अब तो शो जीत, इसको अगले रिंग में डालेंगे। टॉप 5 में है तो कीमत बढ़ गई होगी ना? जी जी, नहीं अभी तो इसको और ऊपर वाली रैंक हम एक्सपेक्ट करते हैं, आगे वाली रिंग में लेके जाएंगे और अच्छा परफॉर्म करेगी। ओके ओके सर, वैसे कौन से ब्लड लाइन की है ये जी? समुंदर घोड़े की बेटी। समुंदर की है, और मदर साइड कौन है? मदर साइड इसकी अननोन है जी। ओके, कहाँ की है? माँ का जी आइडिया नहीं है, माँ अननोन है, लेकिन बाप इसका समुंदर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी। सो दीज आर द विनर्स, नंबर 3 एंड शी इज द विनर। तैयारी करके अगे आ जा। मारवाड़ी दुध दंद बछेरी का मुकाबला होना जी, ये जो है नंबर 1 ते अपनी बछेरियां नु लेके रिंग चाओ, रिंग दे बाहर उनां दी प्री जजिंग होनी है, वेटरनरी चेक, उस तो बिना घोड़ी एंटर नहीं होनी जी, ते अपनी घोड़ियां नु तरीके नाल फड़ियो। सो डुकरा मैच शो हो गया है कंप्लीट, एंड वी हैव द फर्स्ट रनर अप यानी सेकंड पोजीशन पे। आपका नाम क्या है सर? गुरप्रीत सिंह। और गुरप्रीत जी, आपकी घोड़ी का नाम क्या है? बेगम। बेगम, बेगम जीत गई माशाल्लाह। ये मेरे बड़े भाई की घोड़ी है, आदम सिंह विर्क। आपका नाम क्या? विर्क। आदम सिंह विर्क। कहाँ के रहने वाले हो आप? विलेज बुड्डी मड़ी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। कैन आई सी योर ट्रॉफी सर? आप ट्रॉफी बताओगे? सर बहुत बहुत मुबारक। नाम क्या बताया आपने इसका? बेगम। कौन सी लाइन की है बेगम? ये शक्ति घोड़े की बच्ची है। उम्मीद थी सर सेकंड पोजीशन पे आने की या टॉप 3 में रहने की? नहीं, उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी। आगे भी 4-5 शो जीत चुकी है जी। अच्छा, जीत चुकी है, कौन सा शो जीती है? अभी 3 दिन पहले कुरुक्षेत्र सेकंड आई थी, तो उससे पहले हनुमानगढ़ में बढ़िया पोजीशन आई थी। तो अभी कहाँ चूक रहेगी, क्या फर्स्ट पोजीशन पे नहीं? कोई नहीं, वो सभी घोड़ी अच्छी होती है, फर्स्ट सेकंड तो चलो कोई बात नहीं होती। सेकंड भी एक टॉप 2 में बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। सभी फर्स्ट तो नहीं आ सकती। बेचने का कोई इरादा है? बेचने का इरादा है? नहीं नहीं, नॉट फॉर सेल। बेचने का इरादा नहीं है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या? अभी 2-3 शो हो रहे हैं बाकी। हाँ। लुधियाना भी लेके जाएंगे। ओके जी। और अपने फरीदकोट शो हो रहा है, उधर भी जाएंगे। कब है ये? फरवरी में। फरीदकोट तो मेरे हिसाब से 1-2-3 मार्च को है, और लुधियाना फरवरी में है। वैसे इसकी हाइट क्या है सर? इसकी हाइट 64 इंच है जी। और उम्र कितनी है सर? उम्र? हाँ जी, उम्र एग्जैक्टली कितनी है? अभी 4 दांत है जी। 4 दांत है। हाँ जी, ठीक है। नाम है इसका बेगम। बेगम। और आई है सेकंड पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट रनर अप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, वी हैव द विनर ऑफ डुकरा मे कैटेगरी एट पंजाब हॉर्स शो। सर आपका नाम क्या है?
हरपविंदरजीत सिंह। व्हाट इज योर नेम सर, आपका नाम क्या है? किरणवीर सिंह। किरणवीर, और आपके कोई फार्म से हो आप? हाँ जी। क्या नाम है फार्म? महल क्लास स्टड फार्म। बहुत बहुत मुबारक पहले तो। थैंक यू। नाम क्या है घोड़ी का? हीर। हीर, हाँ जी। हीर जीत गई सर, उम्मीद थी आप? हाँ जी। और कोई और शो जीत चुकी है ये पहले? ये पहले मिल्क टीट में 3 times विनर एंड फिर 2 teeth में 4 times विनर। सो एज ए मेयर फर्स्ट टाइम विक्ट्री है इसकी। बहुत बहुत मुबारक सर। बताओगे पूरी घोड़ी आप सर? पूरी पूरी आड़ी करोगे आप सर? क्या डिटेल्स है वैसे घोड़ी की, कौन सी लाइन की है ये? हीर फादर दिलशेर का की। हाँ, और जो इसकी मदर है उनके पास ही है वो। अच्छा। हाँ जी। और तो ये आपने बचपन से पाला है कि खरीदा है? ये 1 साल की ली थी हमने। अच्छा। इधर से मुक्सर मंडी से मागी में। अरे वाह, कितने की ली थी कुछ बताओगे लोगों को? नहीं। हाँ जी। अच्छा, इरादा क्या है आपकी? ओके, जीत गई, क्या इरादा है? बेचना है अच्छे दाम में? बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस दूसरे शो में उतारो। हाँ जी, हाँ जी, दूसरे। आपके ऐसे क्या हाइट है इसकी? इसकी है 67+। 67 हाइट की है। नाम क्या बताया आपने घोड़ी का? हीर। हाँ जी। हीर जो है विक्टोरियस है सर। क्या क्वालिटी जजेस को इसकी पसंद आई आपको लगता है? वो दूसरे घोड़ियों में नहीं थी, इसमें क्या था ऐसी खास? वो जजेस को पता है। आपकी तो पता होगा ना? नहीं नहीं, आप भी तो देख रहे होगे बाकी के पाछे। आपका नाम क्या है? इनकी सुंदरता जी। सुंदर तो सभी थे। हाँ सर, लेकिन इसमें फिटिंग थोड़ी ज्यादा लग रही है। फिटिंग ऐसी है जिसकी मेहनत और इसका कादा है जो। हाँ हाँ। इतनी जो भी रिंग में घोड़ी थी इतनी हाइट किसी की नहीं थी। क्या हाइट है इसकी सर? इसकी 67। 66। हाँ जी। कानों की क्वालिटी जी, पाँव पौड़ बहुत मजबूत थे। जो जज सभी चीजें नोट करते हैं जी, वो इसमें सभी परफेक्ट थी। ठीक है, वो कहते हैं ना ऊंची लंबी घोड़ी जीत गई। हाँ जी, हाँ, तो बहुत जी, बहुत मुबारक। हाँ, बहुत बहुत मुबारक। आप क्या मेले में रहेगी, लोग देख पाएंगे? हाँ बस जा रहे हो मेले में? कितने दिन तक रहेगी? काल का दिन रहेगी, और भी मारवाड़ी बिशेरी है वो भी लगाने। इसके कोई बच्चे वगैरह है जो बेचने के लिए? अभी नहीं जी, अभी नहीं। अभी ठीक, खाली है अभी घोड़ी? नहीं, सुपर है जी। प्रेग्नेंट है? कौन से घोड़े से सर? वो आदिल घोड़ा है जी। ओके जी, ओके जी, ठीक है। ओके जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। सो ये जा रही है नंबर 1। चलिए ऑन टू द सेकंड रनर अप, यानी कि थर्ड पोजीशन। ये हमारे सामने यूट्यूबर है, ये भी बियंत मान, राइट? हाँ जी, हाँ जी। सर आपकी है घोड़ी? हाँ जी। क्या आपके दोस्तों की? नहीं, मेरी खुद की है। क्या नाम है घोड़ी का? घोड़ी का नाम जुगनी है जी। जुगनी, जुगनी, जुगनी। हाँ जी। और मैं देखा हूँ ये एक लौती घोड़ी है जो बच्चे के साथ आई है रिंग में। हाँ जी, हाँ जी। क्यों ऐसे सर? हमें ये शौक है जी शो लगाने का। पिछली बार भी इस घोड़ी से 6-7 शो लगाए हैं जी, तो इस बार भी हमने इसको लगाया। एक मिनट, मुझे बच्चा कवर जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि सर कोई और घोड़ी जो है कोई बच्चे के साथ नहीं आई है। वो उसमें से कई मेयर प्रेग्नेंट होती हैं जी। हाँ हाँ। कई बार कोई खाली होती हैं घोड़ियाँ, और इसने बच्चा दिया होता तो हम इसको साथ में ले आए। तो बच्चा जो है इसके बगैर रह नहीं पाता है क्या? हाँ जी, अभी छोटा है ना ये। क्या? 2 महीने का बच्चा है जी। 2 महीने? अच्छा, 2 ही महीने का है। हाँ जी, हाँ जी। और बछेरा है ना? नहीं, बछेरी है। बछेरी है ये? ओके ओके जी। ये महाराणा डोड की बच्ची है जी। ओके। दिलशेर का थर्ड पोजिशन पे आई है। हाँ जी। क्या खूबी लगी और कहाँ पर चूक होगी लगता है कि फर्स्ट पे ना आ पाई? कुछ तो बच्चे के कारण, वैसे परफॉर्म करने में इसका थोड़ा बहुत जो नंबर कटते हैं जैसे, उतना परफॉर्म नहीं कर पाई। बाकी जो है इससे दो जड़ी जो आगे लगी हैं वो कंडीशन वाइज इससे अच्छी थी घोड़ियाँ। अच्छा, बिंदी लेकिन जब इसी नंबर पर डिजर्व करती थी। लेकिन जब फेयर जजमेंट हुई है। अच्छा, फेयर है। हमारे हिसाब से भी, पहली बार किसी को बोल रहा हूँ कि भाई वो बोले फेयर जजमेंट जी, हमारे हिसाब से भी तीसरी पोजीशन वाली घोड़ी थी। तो दूसरी जो घोड़िया थी वो इससे बेटर, वो इससे बेहतर थी। ये शायद अभी अभी बच्चा दिए तो शायद वो फिटनेस में नहीं होगी मेरे ख्याल से। फिटनेस में थोड़ा बहुत लगा लो जी, कहीं जगह पर इसने पॉइंट कटवाए हैं, लेकिन वो जो शो में जो चीजें देखी जाती हैं वो दूसरी दोनों घोड़ियों में इससे थोड़ी ज्यादा थी पॉइंट, उनके प्लस पॉइंट थे इसीलिए है। ओके, ये तो बहुत आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसा बोला कि भाई फेयर जजमेंट है, क्योंकि लोग जनरली फर्स्ट के अलावा कुछ विक्ट्री स्वीकारते ही नहीं। हमने तो पिछली बार भी इससे 6-7 शो लगाए थे, अभी मेरे कैटेगरी में लगी है, उससे पहले हमने इसको 2 दांत में भी लगाया था, 3-4 शो लगाए थे, हनुमानगढ़, मुक्तसर, फरीदकोट,
पिछली बार इसी शो में जब फिफ्थ पोजीशन पर आई थी। तो ये इसकी बेस्ट पोजीशन है कोई भी शो में? हाँ जी, इसकी फोर्थ फिफ्थ पोजीशन तक रही है और फरीदकोट शो में पिछली बार सेकंड आई थी। तो अभी क्या इरादा है, इसको बेचोगे आप? नहीं, बच्चे नहीं, के साथ नॉट फॉर सेल आई, नॉट फॉर सेल, लेकिन शो जब जीत जाती है टॉप 3 में आती है तो कीमत तो बढ़ जाती होगी ना? हाँ जी, हमने तो इसे ब्रीडिंग पर्पज के लिए रखा है जी इसको, कोई बेचने के लिए नहीं। और इसे कौन से लाइन की है, क्या हाइट की है? जो चेतक घोड़ा है जी गल्ला वाला, उसकी बच्ची है जी और 63 इंच हाइट है जी। और एग्जैक्ट उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र लगभग 4.5 साल होगी। 4.5 साल की है। ओके ओके जी, सर एक राउंड लेके आओगे, हम घोड़ी को चलता हुआ देख ले चलाए चलाओगे सर? एक मिनट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत धन्यवाद बीएन जी, बहुत बहुत आप जगराव में मिले थे मुझे भी याद है, अपन दो तीन साल पहले आपके साथ जगराव मंडी में बातचीत हुई थी। वैसे आप कहाँ के निवासी हो, कहाँ पे रहते हो? हमारा जी डिस्ट्रिक्ट बरनाला और गांव का नाम है मोड़ना भाई। और आप पर्सनल यूट्यूबर भी हो ना? हाँ जी, हाँ जी। आपके चैनल का नाम क्या है? पेंडू जमींदार के नाम। और किस चीज की वीडियोस डालते हो आप? घोड़ों की वीडियो बनाते हैं। घोड़ों की डालते हो ज्यादा? ठीक है, कांग्रेचुलेशन। मोस्टली लगभग घोड़ों की सारी वीडियो घोड़ों की डालते हैं। ओके जी, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत नाम क्या बताया घोड़ी का? घोड़ी का नाम जुगनी है। और बच्ची का नाम क्या? बच्ची का नाम रावी है। जुगनी एंड रावी। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। इवैल्यूएशन हो रहा है मारवाड़ी बछेरियों का शो हो रहा है मारवाड़ी। व्हाट आई फाउंड अट्रैक्टिव इज द वन स्टैंडिंग बिहाइंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स। गोल्डन क्वीन नाम है बछेरी का, आई थिंक दूर से ही नज़र पड़ जाती है। व्हाट अ शो स्टॉपर शी इज, आउटस्टैंडिंग, आई लव हर, बहुत शानदार है। क्या नाम है? गोल्डन क्वीन। गोल्डन क्वीन बहुत शानदार है, बहुत पंजाब की रियल सिस्टर है जो गैरी भाई के पास है। अच्छा जी, सर आपकी है? नहीं नहीं, हमारे फ्रेंड ही है, उनकी है। कितने महीने की भाई? भाई ये होनी है हले खीरी आ 29 31 कदी ला लो, इन्ने कदी ला लो। केड़े कोड़ दी? एक दिलबाग दी। कौन से घोड़े की सर? दिलबाग रतिया की है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभजोत सिंह है, ये कुन्नन कला से है, गुरजीत सिंह है, नार सिंह है, उनकी है ये। आपके फ्रेंड ये? हाँ जी। दूर से मैं दूसरे घोड़ी का इंटरव्यू वो बछेरी का ले रहा था। हाँ जी। लेकिन इस पे नजर पड़ गई और नजर हटती नहीं है। हाँ जी, शो स्टॉपर शी इज। हाँ जी हाँ जी, ये पंजाब जो है ना गैरी भाई के पास, उसकी रियल सिस्टर है और गोल्डन रॉक की मदर साइड से ये है, सिस्टर है मदर साइड से। ब्लड लाइन बहुत अच्छी है इसकी। हाँ जी हाँ जी। वैसे क्या हाइट पकड़ी है अभी इसने? अभी तो मेजरमेंट नहीं किया, आपके सामने ही है जो है। हाइट वाइट छोड़ो सर, रंग और फिटनेस और पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी, शी लुक्स आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल, प्रॉपर शो स्टॉपर घोड़ी या बछेरी जिसको कहेंगे वो है ये। हाँ जी, दूर से ही नजर पड़ जाती है। हाँ जी हाँ जी, है ना। अब मेरे ख्याल से शायद जीत जाएगी और टॉप 3 में तो डेफिनेटली होना चाहिए। यस, ठीक है, बट खैर मे द बेस्ट वन विन। मुझे पता नहीं और भी कंटेस्टेंट है। हाँ, आपको क्या उम्मीद है सर इसे? बाकी देखो, अभी लगाई है, देखो क्या बनता है। हाँ जी, ये ब्रदर है उनकी है। कोई शो जीत चुकी है ये? नहीं, अभी तो ये फर्स्ट टाइम ही लेकर आए हैं बाहर। ओके, हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको। ठीक है, बहुत अच्छी है। ठीक है, थैंक यू। गोल्डन क्वीन। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਲਾ ਲੈਣਾ।